रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब वक्त आ गया है भाऊ साहब, हमें आलिजा को हथियार बनाकर वर्मा और खन्ना परिवार पर अटैक करना चाहिए और हमारा पहला शिकार ममता ही होनी चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। इस ममता ने बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझती है वो। न जाने उसने ऐसा क्या जादू किया है, कोई भी उसकी बात का इनकार भी नहीं करता। कौशल्या, तुम बता रही थी कि वो मां बनने वाली है। हाँ भाऊ साहब, उसने मुझसे रोहन को छीना, अब मैं उससे उसका बच्चा छीनूंगी। जहां तक मेरी जानकारी है इस लड़की के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पे हाथ डालना आसान नहीं है। अब तक तो ये चौकन्नी भी हो चुकी होगी। वो हमेशा उन चेहरों से बचना चाहेगी, होशियार रहना चाहेगी जो उससे अनजान हो, लेकिन अपने ही परिवार के सदस्य पर वो कैसे शक करेगी भाऊ साहब? इसका मतलब अलीजा के हाथ ही उसके मौत की बागडोर सौंपनी पड़ेगी। बिल्कुल, और सुनीता और शीतल अंबिका को बहुत प्यार करती है, अलीजा पर किसी को भी शक नहीं होगा भाऊ साहब। उसकी मौत से वर्मा परिवार पे कहर टूट पड़ेगी, लेकिन इस लड़की का शिकार कब कैसे और कहां किया जाए? मैंने एक ऐसी योजना बनाई है भाऊ साहब, जिसे सुनकर आपको शांति मिलेगी। पहले ममता का बच्चा मरेगा और फिर। समझ गया, उस बच्चे की मौत से वो खुद बखुद तड़प कर मर जाएगी, बच्चे का कत्ल भी होगा और हम बेदाग रहेंगे। मैंने यूं ही पहना हुआ है चश्मा। यूं ही? हाँ, वो मैं अपने बैग में कुछ तलाश कर रही थी तो अचानक मैंने ये चश्मा देखा, तो मैंने सोचा मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। अब मैंने ये लगाया ही था कि तुम्हारी आवाज आ गई। तो शिवानी, मुझे देखते ही जिस तरह से तुमने अपना चेहरा घुमाया, मुझे तो वाकई ऐसा लगा कि तुम्हारी आंखों में कुछ हो गया है। कबीर, मेरी आंखों में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? ठीक है, तो अब तो ये चश्मा उतार दो। अरे, अगर मैंने ये चश्मा पहना हुआ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ हो रही है मुझे बाबा। क्यों तकलीफ हो रही है? शिवानी, तुम मेरे सामने में खड़ी रहो और मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकूं, ये मेरे लिए क्या तकलीफ की बात नहीं है? जस्ट लुक एट मी। शिवानी, शिवानी मेरी तरफ देखो जरा। शिवानी, शिवानी मेरी तरफ देखो। ये मैं अपने शिवानी के ही सामने में बैठा हुआ हूँ, किसी और के? यही तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तुम सरप्राइज की बात कर रही हो? एंड आई एम शॉक्ड। अरे, व्हाट आर यू शॉक्ड? देखो, ये जो है ये मेरी असली आंख है और ये मेरा लेंस है जो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लेंस गिफ्ट किया। अब मैंने सोचा कि मैं लेंस ट्राई करके देखती हूँ, इतने में तुम्हारी आवाज आ गई मुझे, तो मैंने कहा कि चलो मैं चश्मा पहन लेती हूँ। चश्मा पहनकर मैं... अजीब इत्तेफाक, मैं आया और एनीवे तुम्हारा दूसरा लेंस किधर है? हेलो। हाँ, कबीर, तुम्हारा फोन है, तुम्हारा फोन है।
Yes. सर उस जगह का सर्च वारंट मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं अभी आता हूँ। शिवानी का इमरजेंसी है, मैं फिर बाद में आऊंगा। गंगाराम जी साहब, पढ़ना जानते हो? हाँ सर। ये रहा सर्च वारंट, मुझे इस जगह की तलाशी। ठीक है साहब, ये तलाशी। साहब मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस खाद की गुड़ान में क्या ढूंढना चाहते। तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी। रोमी इंस्पेक्टर। यस सर। बोरियों बटन को बाहर। आराम से आराम से। That's all. ये वो कल काम करते हुए मजदूर की उंगली कट गई थी, बेचारे का बहुत खून बह गया था। चलो भाई, एक लार्ज राम, तू क्या लेगा? एक सॉफ्ट ड्रिंक ले आई। ओके थैंक यू। यार विकी, आज के दिन भी तू पिएगा? कम से कम एक दिन तो ड्राई डे रखा कर। अरे यार, जिसकी जिंदगी ड्राई हो गई है वो क्या करेगा? ये तो रम है कि गम कम हो जाते हैं, वरना जिंदगी जीना थोड़ी मुश्किल है। हाँ चेस, मैं चाहता भी यही था कि वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। भैया अब आप इसे बहाना समझिए या मजबूरी कह लीजिए, जब जिंदगी में प्यार की मिठास कम हो जाती है ना, तो ये कड़वी शराब भी बहुत मीठी लगती है। जब ये गले से नीचे उतरती है तो ऐसा लगता है वाह, किसी ने आपके दिल पे कोई मरहम रख दिया। अच्छा मेरे देवदास, एक पैग पीने के बाद तेरा ये हाल है? चार पांच जब अंदर जाएंगे तू तो पूरा का पूरा फिलोसोफर बन जाएगा। लेकिन विकी एक बात याद रखना कि शराब शराब होती है, वो कोई दवा या कोई मरहम नहीं। ठीक है मेरे बाप, अब तो इस बारे में कोई बहस नहीं करेगा। बस एक चीज बता कि तू तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ जानता है, तूने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये नहीं बताया कि वो कब मिली, कैसे मिली, कहाँ मिली? वो एक बहुत लंबी कहानी, कभी आराम से बताऊंगा। देखिए मैंने तो अपने सारे कार्ड्स अपने सारे पत्ते तेरे सामने खोल दिए, लेकिन तूने अब भी एक ट्रम्प कार्ड मुझसे छिपा रखा। मैं समझा नहीं। तूने अब भी मुझे ये नहीं बताया कि तेरी बेवफा महबूबा का नाम क्या है। बता दूं? बता दे। अनामिका। You're joking.
गुड मॉर्निंग बेटे, आपने बुलाया? कैसी है हमारे डैडी की तबीयत? एक्सीलेंट यार, जिस बाप के तुम जैसे दो दो शेर बच्चे हो उसकी तबीयत को क्या हो सकता है। करण बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सारा काम बहुत जल्दी सीख लिया, समझ लिया। इसमें मेरा हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है डैडी, ये सब तो हमारे बिग ब्रदर रोहन भैया की वजह से है। रोहन, मैं चाहता हूं कि करण भी अब बिजनेस में तुम्हारा हाथ बटाए। जी डैडी, इतना बड़ा कारोबार है उसे मैं कैसे संभालूंगा? मुझे तो किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। जैसे तुमने बाकी सारी चीजें सीखनी है वैसे ही कारोबार की सारी चीजें सीख जाओ। दो मिनट देंगे इन्वॉल्वमेंट, तुम मेरे साथ चलना और बैठना शुरू करो, सब समझ में आ जाए। बिल्कुल। और बेटा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम दोनों मिलकर मेरे बिजनेस को संभालो, उसे बढ़ाओ, उसे फैलाओ और अपने बाप का नाम ऊंचा करो। इसी बारे में मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं। देखो बेटा, आज तक मेरा टोटल बिजनेस प्रोपराइटरशिप में था, यानी मैं उस टोटल बिजनेस का अकेला मालिक था। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई पार्टनर बन जाओ। देखो, इसे चाहो तो तुम मेरी वसीयत समझ सकते हो, कौन जाने कब कहां क्या हो जाए। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप भाई? जो कुछ आपका है वो फिर हमारा ही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपके नाम हो या रोहन भैया के नाम हो या फिर मेरे नाम हो? देखो बेटा, दिलों के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वी आर इन बिजनेस और बिजनेस में बहुत से झमेले हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्सेस की एक पूरी फहरिस्त है, उनको भी तो निपटना है, क्यों है ना? इतनी जल्दी भी क्या है डैडी, इतने अरसों के बाद बिछड़े हुए भाई मिले हैं, एक हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार के बीच में ये पार्टनरशिप की दीवार आ जाए। नहीं, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं इसके हक में नहीं हूं। महाराज से आशीर्वाद लेने, ये बहुत बड़े भविष्यवेत्ता हैं। तुम तो एक सीबीआई ऑफिसर हो, तुम इन सब बातों में विश्वास करते हो? शिवानी भूल गई तुम? अरे तुम्हें ने तो कई बार मुझे इस जगह के बारे में तुमने बताया था, तुमने यहां लाने की कोशिश की थी, भूल गई तुम? तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। और ये भी याद है कि तुम मुझे कहा करती थी कि जब भी तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ होती है, भृगु महाराज ही उस तकलीफ को दूर करते हैं। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों हम ये भी पूछ लेंगे कि हमारी शादी में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। चलो कम महाराज, तुम अंबिका नहीं हो। रूप रंग और आकृति तो ठीक वैसी ही है, परंतु तुम्हारे मन में बड़े विचित्र विचार उठ रहे हैं। तुम समस्याओं से घिरी हुई हो, अपनी ही बनाई हुई समस्याओं से। ठीक कहते हैं महाराज, आप इन दिनों बड़े ही विचित्र विचित्र ख्याल इसके दिमाग में आते हैं। ऐसे ही विचित्र विचार अंबिका को कबीर से दूर रखे हुए हैं, परंतु अब अंबिका का कबीर से मिलन अवश्यंभावी है, इसलिए इन विचारों को दूर
हटना ही होगा। कल्याण हो। लक्ष्मी समागच्छ समाधवे तत्कृपा दृष्टि सुधया सततं मां विलोकय समागच्छ समागच्छ जपे मे सन्निधो भव माता श्री श्री महालक्ष्मी। रोहन क्या बात है, क्यों परेशान हूँ? मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि करण बिल्कुल गधा है, बेवकूफ है, जाहिल है। अब इसका फैसला तो वक्त ही करेगा कि वो गधा है, जाहिल है या बेवकूफ है। पर उसका जिक्र छेड़ते ही तुम्हारे अंदर से जो प्यार झलकता है ना, उसे जलन होती है मुझे उसे। क्या हुआ बताओ? मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। डैड ने मुझे और करण को एक प्रपोजल दिया था, करण को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मना कर दिया। कैसा प्रपोजल? डैड ने कहा हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, हमारा जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, उसका 50-50 कर देते हैं, मेरे और करण के बीच एक पार्टनरशिप बना देते हैं। करण ने कहा नहीं, सब कुछ भैया के नाम रहने दीजिए। तो इसका आपने क्या मतलब निकाला है? इसका कोई भी भला और इंटेलिजेंट आदमी एक ही मतलब निकालेगा कि करण गधे हैं, बेवकूफ है करण। ना ही वो गधा है और ना ही बेवकूफ, उसका आप पर पूरा भरोसा है। बड़ी खुशी की बात है, आई एम फ्लैटर्ड कि करण का मेरे ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन उसे मेरी और डैडी की बात नहीं माननी चाहिए। ये बात उसूलों की नहीं, इमोशंस की है, इतना नहीं समझते? अरे बाबा, बिजनेस उसूलों से और इमोशन से नहीं चलता। अब डेट लटक गई कि नहीं लटक गई? डेट तुम बनवा दो, कुछ भी कहकर उसे साइन करवा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं करण से झूठ बोलकर डेट साइन करवाऊं? अब इसमें उसी का फायदा है ना, आज की तारीख में जो कुछ हमारा है, साइन करते ही आधा उसका हो जाएगा। ममता तुम मुझे जानती हो, उससे झूठ नहीं बोला जाता, मुझे अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती झूठ बोलते हुए। कल अगर करण को कुछ गलत लगा, उसने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया, क्या जवाब दूंगा मैं उसे? रोहन, तुम उसके फायदे के लिए या उसके भले के लिए झूठ बोल रहे हो? अरे बाबा, उस भले आदमी को भी तो भला समझ में आए। वक्त के साथ साथ मुझे लगता है उसमें इतनी समझ तो आ ही जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये करना पड़ेगा।